नमस्कार मैं हूं प्रज्ञा बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर बिहार शिक्षक भर्ती रिजल्ट से पहले बीपीएससी अध्यक्ष ने चेताया मनी चेन योजनाओं में निवेश करने से पहले बढ़ते सावधानी सतहत्तर संतोष ट्रॉफी में रेफरी की भूमिका में दिखेंगे बिहार के लाल पहली ऐसी बारहवीं कक्षा के डेढ़ करोड़ बच्चों को इस दिन ऐसी मिलेगी पोशाक स्कॉलरशिप राशि ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज करने के बाद रोहित शर्मा का बड़ा खुलासा इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से बिहार शिक्षक भर्ती रिजल्ट से पहले बीपीएससी अध्यक्ष ने चेताया बीते दिन रविवार को बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा उन अभ्यर्थियों को चेतावनी दी गई है जिनके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जानबूझकर गलत प्रमाण पत्र सबमिट किए गए हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा यह चेतावनी एक्स पर जो की पूर्व में ट्विटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर दी गई है उन्होंने लिखा है कि टी की टी आर ई डी वी की जाँच में पाया गया है की कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे और डीवी के दौरान सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था यह डीवी को रोकने का एक कारण भी हो सकता है और नहीं भी लेकिन यह तय है कि इसके परिणाम गंभीर होंगे बिहार के इस जिले में सबसे कम बचे हैं खेतों में काम करने वाले मजदूर केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर हुए निबंधन से इस बात की जानकारी निकलकर सामने आई है कि कामगारों के निबंधन के मामले में बिहार देश के दूसरे पायदान पर है मालूम हो कि राज्य भर में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों की संख्या दो करोड़ अठासी लाख ऐसी अधिक है इसमें से एक करोड़ बयालीस लाख ऐसी अधिक कामगार खेती ऐसी जुड़े हुए हैं इसके बाद बयालीस लाख उनचास हजार मजदूर घरेलू कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें की निबंधन कराने वाले कामगारों में सबसे का अधिक 18 से 40 वर्ष के कामगार हैं जो कि पैंसठ दशमलव दो दो फीसदी है वही चालीस ऐसी पचास साल वाले कामगारों की संख्या बीस दशमलव पाँच एक फीसदी है वही पचास ऐसी अधिक उम्र वाले कामगारों की संख्या बारह दशमलव एक सात फीसदी है इसके साथ ही राज्य में पुरुष कामगारों की तुलना में महिला कामगारों की संख्या ज्यादा है जिनकी संख्या करीब एक करोड़ इकहत्तर लाख है वही बिहार के शेखपुरा जिले में सबसे कम कामगार मजदूर बचे हैं जिनकी संख्या एक लाख छप्पन हजार है दस अक्टूबर को पटना नहीं आएगी ये ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे के सी वीरेंद्र कुमार के तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार तकनीकी कारणों की वजह से दस अक्टूबर यानी की कल विभूति एक्सप्रेस पटना नहीं आएगी एस एम ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को दूसरे ट्रेनों का सहारा आने जाने के लिए लेना होगा बता दें कि ट्रेन हावड़ा और प्रयागराज रामबाग के बीच पटना के रास्ते चलती है लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से आज यानी कि 9 अक्टूबर को हावड़ा से चलने वाली एक दो तीन 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 अप विभूति एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया है और साथ ही 10 अक्टूबर को प्रयागराज से चलने वाली एक दो तीन तीन चार डाउन को भी कैंसिल कर दिया गया है इस कारण उस रात भी ट्रेन पटना नहीं पहुंचेगी अचानक से मिले इस जानकारी से यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है पहली से बारहवीं कक्षा अच्छा के डेढ़ करोड़ बच्चों को इस दिन से मिलेगी पोशाक स्कॉलरशिप राशि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से बारहवीं तक में पढ़ने वाले छात्रों को पोशाक स्कॉलरशिप आदि की राशि 10 अक्टूबर के बाद डीबीटी के माध्यम से दिए जाने शुरू हो जाएंगे इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा तैयारी कर ली गई है फिलहाल जिलों के द्वारा छात्र छात्राओं की सूची को अनुमोदित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है जिसे दस अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएंगे जिसके बाद वित्तीय वर्ष दो हजार के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की राशि भुगतान को लेकर आदेश जारी किए जाएंगे हालांकि विभाग की ओर ऐसी यह भी साफ कर दिया गया है कि जिन बच्चों की हाजरी 75 प्रतिशत होगी उन्हें ही सरकार की लाभुक योजनाओं की, योजनाओ की राशि का भुगतान किया जाएगा मालूम हो की पोशाक स्कॉलरशिप राशि राज्य के डेढ़ करोड़ से अधिक छात्रों को दी जाएगी शराब कारोबारियों पर पुलिस ने कसा से कंजा। बिहार में पूर्ण रूप ऐसी शराबबंदी तो लागू है लेकिन आए दिन इससे जिड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं इसी कड़ी में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सारण जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 546 लीटर देसी और अंग्रेजी शराब बरामद किए गए और साथ ही पुलिस के द्वारा मौके ऐसी एक तस्कर की भी गिरफ्तारी की गयी है जिसकी पहचान मनीष कुमार के रूप में की गयी है बता दें की यह कार्रवाई मुफस्सल थाना क्षेत्र के कड़ीगा रोड और एकमा थाना क्षेत्र एकमा ओवर ब्रिज के नीचे पेट्रोल पंप के समीप की गई है इस दौरान पुलिस के द्वारा एक ऑल्टो और, और स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया है बता दें कि इस बात की जानकारी सारण उत्पाद विभाग रजनीश कुमार के द्वारा दी गई है सतहत्तरवी संतोष ट्रॉफी में रेफरी की भूमिका में दिखेंगे बिहार के लाल बिहार के लाल दीपक कुमार का चयन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से नेशनल टूर्नामेंट सत्तरवीं संतोष ट्रॉफी के रेफरी की भूमिका निभाने के लिए, के, लिए के लिए किया गया है बता दें कि यह मुकाबला छह स्थानों पर हो रहे हैं जो कि 17 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे बिहार से रेफरी के लिए दीपक कुमार और दिवाकर का ही चयन किया गया है वही इनके चयन पर जिला फुटबॉल संघ के मुखिया संरक्षक डॉक्टर फिरोजुद्दीन फैज जिला फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कुमार चंदू समेत अन्य लोगों के द्वारा बधाई दी गई है मालूम हो की दीपक कुमार इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो 2022 में भी रेफरी की भूमिका अदा कर चुके हैं मनी चेन योजनाओं में निवेश करने से पहले बरते सावधानी बिहार सरकार के वित्त विभाग के द्वारा एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि मनी चेन योजनाओं में शामिल होकर आप अपनी परेशानी में पड़ पर सकते हैं इसलिए इसमें निवेश करने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है बता दें कि विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिरामिड रूपी योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आप शुरुआती धनराशि जमा करके या कोई उत्पाद चीज खरीद कर अन्य सदस्यों को दाखिल करने की स्वीकृति के साथ शामिल होते हैं ज्यादा लाख सदस्यों के दाखिले सीधे निर्भर करता है ये योजनाएं अवैध और प्रतिबंध है इसलिए ऐसी किसी भी योजना के झांसे में न आए जो बिना ज्यादा निवेश किए कम समय में आपको ज्यादा लाभ देने का वादा करता हो वही से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप डब्ल्यू 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 देख सकते हैं सुर संग्राम का होस्ट करते नजर आएंगे सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू एक बार फिर से नए फॉर्मेट के साथ भोजपुरी का सिंगिंग रियलिटी शो सुर संग्राम हंगामा मचाने को तैयार है वही इस बार इस शो के होस्ट के रूप में भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू नजर आने वाले हैं बता दें कि इस शो का प्रसारण भोजपुरी सिनेमा चैनल पर और दंगल ऐप पर किया जाने वाला है बता दें कि इससे पहले इस शो को मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे कलाकार होस्ट कर चुके हैं इस शो का निर्माण साई बाबा स्टूडियो लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है वहीं अब प्रदीप पांडे चिंटू के शो होस्ट करने को लेकर उनके फैंस के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा मालूम हो कि प्रदीप पांडे चिंटू एक से एक भोजपुरी गाने गा चुके हैं और साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया है बीपीएससी सड़सठवी बैच के लिए आज से इंटरव्यू राउंड शुरू आज यानी कि 9 अक्टूबर से बीपीएससी बीपीएसवीं परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू राउंड की शुरुआत हो चुकी है जो कि 20 अक्टूबर तक चलने वाली है बता दें कि इस इंटरव्यू के माध्यम से कुल 802 पदों को भरे जाएंगे मालूम हो कि इसके लिए प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन वर्ष 2022 में किया गया था जिसमे पेपर लीक होने ऐसी बीपीएससी की बहुत फजीहत को सामना करना पड़ा था जिसके बाद आयोग की ओर ऐसी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करते हुए नेगेटिव मार्किंग लाकर दोबारा प्रिलिम्स परीक्षा का आयोजन तीस सितम्बर दो को आयोजित किया गया वहीं प्रीलिम्स परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का चेयरमेन्स परीक्षा के लिए हुआ जिसका आयोजन 30 31 दिसंबर 2022 और 7 जनवरी 2023 को किया गया था जिसमें कुल 2104 अभ्यर्थी सफल हुए थे जो अब इंटरव्यू में भाग ले रहे हैं फिल्मी स्टाइल में मांग में भरा सिंदूर फिर ऐसे आसिक का उतरा इश्क इश्कबूत बिहार के जमुई से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुन दांतों तले उंगली दबा ली जाए बता दी कि यह मामला झाझा बस स्टैंड का है जहां एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी के द्वारा अपनी तथा कथित प्रेमिका को बीच बाजार में अपने प्यार का इजहार करते हुए उसकी मांग में सिंदूर डाल दिया गया जिसके बाद लड़की गुस्से में आ गई और उसने सिंदूर मिटाते हुए युवक के साथ मारपीट कर ली जिसे देख स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए और उन्होंने भी लड़कों की पिटाई की और फिर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया इस युवक की पहचान बीरू सिंह के रूप में की गई है वही जब युवक से पूछताछ किया गया तो यह जानकारी सामने आई है की उसकी बहन की शादी लड़की के घर के बगल में हुई थी वो लड़की का पीछा भी करता था और उसके साथ एक दो बार मारपीट भी की गई थी लड़की के भाई के द्वारा भी उस लड़की के साथ मारपीट कर धमकी दी गई थी वहीं लड़की का कहना है कि लड़की भी उससे प्यार करती है वह बस गुस्सा इसलिए हुई क्योंकि उसने सभी के सामने सिंदूर डाला था सीताराम ये चुड़ी पहुंचे पटना लोकतंत्र को लेकर कहा ये आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और लोकतंत्र पर अपना बयान देते हुए कहा कि मोदी सरकार को 2024 में जनता सबक सिखा देगी इस समय देश के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है उन्होंने कहा की मोदी को हटाना अनिवार्य है माकपा का यह उद्देश्य है की हम देश भर में लड़ाई जारी रखेंगे और वामपंथी एकता को मजबूत करते हुए धर्म और लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैयार अन्य लोगों को एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प बनाने के लिए एकजुट हो गए हैं उन्होंने कहा कि जनता लोकसभा चुनाव में फैसला कर देगी लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमले किए जा रहे हैं जिसका इंडिया गठबंधन विरोध करेगी अनिशा चौराहे से पटना एम्स तक छह लेन एलिवेटेड रोड को केंद्र की मंजूरी बहुत जल्दी पटना वासियों को जाम से निजात मिलने वाला है दरअसल अनिशाबाद चौराहे से पटना एम्स तक छह लेन एलिवेटेड रोड निर्माण को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दे दी गई है ऐसे में अब मरीजों को एम्स तक जाने के लिए जाम जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा बता दें कि इस बात की जानकारी सड़क निर्माण विभाग के द्वारा दी गई है मालूम हो कि साथ किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड सड़क के मौजूदा अलाइनमेंट पर बनाई जाएगी जो फुलवारी शरीफ के रास्ते एम्स को जोड़ेगी जो बाद में एन एच मिल जाएगी औरंगाबाद तो तक जाएगी बता दें कि प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट के अनुसार एलिवेटेड रोड का एक और रैंप चिलकोहरा के माध्यम से जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पटना को जोड़ेगा उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने पत्नी संग किया पिंडदान उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही के द्वारा अपने पितरों के मोक्ष की कामना लेकर अपनी पत्नी के साथ बिहार के गयाजी में श्राद्ध किया गया बत... बता दें विष्णु पद मंदिर परिसर में गया पाल पुरोहित मुन्नालाल पाठक के द्वारा कर्मकांड की विधि कराई जा रही है इसको लेकर गया पाल पुरोहित के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि कृषि मंत्री अपने माता पिता एवं पूर्वजों के मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान किए हैं फल्गु नदी के पवित्र जल से तर्पण कर पिंडदान किए हैं बता दी की सनातन धर्म में पिंडदान का काफी महत्व होता है इसी उद्देश्य से प्रत्येक दिन पितृपक्ष में हजारों की संख्या में पिंडदानी गया जी आ रहे हैं और अपने पितरों के लिए पिंडदान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज करने के बाद रोहित शर्मा का बड़ा खुलासा बीते दिन आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का पांचवे मुकाबले में भारत ने के ल, राहुल और विराट कोहली की शानदार पारी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल कर ली वहीं जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा कहा गया कि गेंदबाजी और फील्डिंग में शीर्ष पर रहकर अच्छा महसूस हो रहा है विशेषकर फील्डिंग हमने फील्डिंग पर काफी मेहनत की टीम ने शानदार प्रयास किया इस तरह की परिस्थिति में मुश्किलें आ सकती है हम जानते थे कि यहाँ सभी के लिए मदद मौजूद है तेज गेंदबाजों के लिए रिवर्स स्विंग है तो स्पिनर्स ने अच्छे टप्पे आरोप गेंद डाले उन्होंने कहा की हमारी टीम का प्रयास शानदार रहा तीन रन आरोप दो विकेट गवाने के बाद ईमानदारी ऐसी मैं घबरा गया था आप जब लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तो इस तरह की शुरुआत बिल्कुल नहीं चाहते है ऑस्ट्रेलिया को श्रेय देना चाहिए लेकिन हमारे बल्लेबाजी ने कुछ खराब शॉट भी खेले मगर ऐसा हो जाता आप खाता खोलने चाहेंगे और पावर प्ले में तेजी से रन बनाना चाहेंगे विराट कोहली और राहुल के राहुल की जमकर तारीफ करनी होगी दोनों ने क्रीज पर पैट जमाए और मैच विजयी साझेदारी करनी पड़ी अब अगला मैच चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि परिस्थिति अलग रहेगी हमें विभिन्न परिस्थितियों में खेलना है उन्होंने कहा कि हमें टीम में भी बदलाव करना पड़ सकता है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल एक सौ और डीजल चौरानवे दशमलव तीन दो रूपये प्रति लीटर में मिल रहा है मुजफ्फरपुर में पेट्रोल एक सौ और डीजल चौरानवे दशमलव सात प्रति लीटर मिल रहा है वही पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत एक सौ और डीजल पंचानवे दशमलव शून्य आठ रूपये प्रति लीटर है भागलपुर में पेट्रोल की कीमत एक सौ सात दशमलव आठ चार रूपये और डीजल कीमत पंचानवे दशमलव तीन दो रूपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत एक सौ एक और डीजल कीमत पंचानवे दशमलव शून्य चार रूपए प्रति लीटर है बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किसानगंज में है जहां पेट्रोल एक सौ नौ दशमलव तीन पाँच रूपए प्रति लीटर और डीजल छियानवे दशमलव तीन चार रूपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाप हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा गोनर शर्मा भान प्रकाश मौर्य रंगीला भान प्रकाश बाबूलाल मरांडी मोहम्मद फहीम अनवर करीम खान राजकिशोर किशोर महतो मोहम्मद सकीर हुसैन मनीष सिंह रविकांत कुमार मोहम्मद अफजल मंसूरी अनुरोध कुमार जितेंद्र ठाकुर गोलू यादव तलकई इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके अनुसार लहरिया कट बाइक चलाने वालों पर प्रशासन की ओर से क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिए अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब ऐसी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक ऐसी देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले धन्यवाद